हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम उज्जवल राणा है और मेरे साथ बैठी हैं इंशिका बेदी, जो कि हमारी फिल्म की हीरोइन है। इंशिका बेदी इस फिल्म में पूजा का रोल कर रही हैं और मैं पवन भल्ला का रोल कर रहा हूं। सो आई रियली एंजॉयड द फिल्म एंड द कैरेक्टर दैट आई एम प्लेइंग ऑफ पूजा बदलानी इज I mean, it was quite similar to what I really am, you know. So I could relate to the character very well. So it was quite easy for me, and I really enjoyed it. So it was a lovely experience, and I had a good time. Yeah. So जैसा इंशिका ने बोला कि मैं बहुत relate कर सकती हूँ उस character को, मुझे actually कहने में थोड़ा सा संकोच होगा कि मैं पवन भल्ला से relate करता हूँ कि नहीं करता, क्योंकि वो film में बहुत बड़ा surprise है जिस तरह के का रोल पवन भल्ला का है। और मेरे जो फ्रेंड बने हैं, हम दोनों जिस तरह की जिंदगी बॉम्बे में जी रहे हैं, आम तरह से मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में एक बहुत बड़ा टेंशन सबकी ज़िंदगी में होता है। बाहर से लोग आते हैं और सबका एक सपना होता है एक छोटे से घर का, जिसकी शुरुआत होती है एक वन रूम किचन से लेके 5 BHK तक जाने की। बट इट इज़ सो डिफिकल्ट टू गेट 1 BHK ओनली अब just a home in Bombay or any other metropolitan cities. तो I think BHK जैसी फिल्म जो है वो हर आम आदमी से relate करती है। सबकी अपनी ज़िंदगी है, सब हर एक अपना घर बनाना चाहता है, और इस situation में फंस कर पवन भल्ला और उसके साथ साथ उसके relation में पूजा and इनके माँ बाप और हमारे friends किस तरह से फंस जाते हैं, इस तरह की ये बहुत ही इंटेलिजेंटली लिखी हुई कॉमेडी है, जिसमें yes. आपको ना चाहते हुए भी फंसना पड़ेगा और हंसना पड़ेगा। फिल्म जो मेरे जहन में आई, वो सबसे पहले क्या कि ये बहुत ही जो डे टू डे लाइफ में जिस तरीके की चीज़ें होती हैं कि ज़रूरत जो नीड है आज की डेट में घर को लेकर के, मैं खुद भी उस तरीके की ज़रूरत से घिरा हुआ हूँ कि एक अपना खुद का एक घर बना पाना किसी भी शहर में, चाहे वो मुंबई हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे लखनऊ हो या कहीं भी हो, उसे घर का बना पाना एक आम इंसान के, एक कॉमन मैन की लाइफ में कितना मुश्किल होता है, वो लेकर के मेरे जहन खुद भी मेरे सामने वो प्रॉब्लम्स डे टू डे लाइफ में आती रही। तो एक छोटी सी ऐसी घटना घटी कि मतलब कि मेरे घर में मेरी शादी वगैरह की बातचीत चलती रहती थी, तो हर शादी करने वाले पूछते भाई लड़के का घर है कि नहीं है, लड़का खुद की छत है कि नहीं है। तो इस तरीके से करीब 7-8 चीज़ें जो है, 7-8 रिश्ते जो है वो इसी तरीके से रिजेक्ट होते कि भाई इसका तो अपना घर नहीं, मुंबई में रहता है ये वो। तो ग्रेजुअली दैट डेवलप्स दैट थिंग जस्ट वो मेरे जहन में धीरे धीरे पैदा हुई कि इस चीज़ को लेकर के किस तरीके से एक स्क्रिप्ट हंसी के उसमें जिस तरीके से लोग आते थे, उनसे जो मिलना होता था, जो उनके क्वेश्चंस होते थे, जिस तरीके के किरदार आकर के मिलते थे, उनसे इंस्पायर होकर के धीरे धीरे मैंने ये स्क्रिप्ट डेवलप की। और मेरा कैरेक्टर है, उसका नाम है लवली भाई खन्ना, जो कि बेसिकली प्रॉपर्टी डीलर है, बिजनेसमैन है और बहुत ही बेसिकली खाने पीने वाला अय्याश किस्म का आदमी है। और डायग्रिक टाइप का आदमी है, और लेकिन ये है कि जितना बाहर फ्लैम्बॉन्ट है और अय्याश है और दारू पीना अय्याशी करना उसमें बिलीव करता है, लेकिन उतना ही घर के अंदर बीवी से डरने वाला आदमी है। बेसिकली ये उसका कैरेक्टर है। और ये जो है सीमा जी, उसकी वाइफ का कैरेक्टर प्ले कर रही हैं। इस कैरेक्टर का नाम है नीलम, और ये बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करती है और पैसे इसके ही हैं जिसपे लवली राज करता है। तो इस बात का उसको है कि मेरे बिना पूछे मेरा पति कोई और काम ना करे, लेकिन मज़ेदारी इसमें यह है कि पति इतना डरते हुए भी सब कुछ कर लेता है और वो बीवी फिर भी इतना डोमिनेट होते हुए भी बहुत ही इनोसेंट है। तो ये इसकी सबसे बड़ी खूबी है कि वो दोनों कैरेक्टर्स बड़े मज़ेदार हैं उस तरह से कि एक दूसरे से रिलेशन अलग है, बट एक्चुअली में एंड में देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि अरे तो बड़े प्यारे से लोग हैं, मतलब किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। मेरा किरदार है मोती, मेरा नाम है इसमें, और थोड़ा चालू किस्म का लड़का है, जैसे कि कुछ कुछ फिल्मों में करता रहता हूँ इस तरह के काम, और इसमें मैंने कुछ कुछ थोड़ा अलग तरीके से किया है चालू बना। और
मतलब अपनी फैमिली को लेकर, अपनी वाइफ को लेकर के वो अपने जीजा के यहाँ आ जाता है। तो मनोज जी मेरे जीजा बने हैं और सीमा जी जो उनके पत्नी हैं वो मेरी बहन बनी है। तो इस तरह का किरदार है मेरा और किस तरीके से मैं अपनी बहन के लिए उसमें काम करता हूँ। मैं स्पाई हूँ मतलब अपनी बहन का। सर आप इस फिल्म के साथ कैसे जुड़े, बताना चाहेंगे? भाई अपने डायरेक्टर साहब राजकुमार जो है वो हमारे बहुत अभिन्न मित्र रहे हैं और उनकी स्क्रिप्ट तो उसका ये रहता है कि सबसे पहले जब भी कोई अपने आसपास का फिल्म बनाता है, प्लान करता है, तो अपने आसपास के लोगों को टटोलता है। तो उसने कॉन्टेक्ट किया, बताया कि भाई ये इस तरह की कहानी है, वो कहानी मेरे को बहुत अच्छी लगी, बहुत एंटरटेनिंग लगी, तो मैंने और किरदार मुझे अपना बहुत पसंद आया तो मैंने किया इस तरीके से। पावा साहब के साथ मैं पहले भी काफ़ी सारा काम कर चुका हूँ, सीमा जी के साथ मैंने आंखों देखी की हुई है, तो बिल्कुल एकदम फैमिली रिलेशनशिप तो बिल्कुल बनती हुई चली गई अपने आप। ऐसा लगा जैसे कि मैं सच में ही इनका साला हूँ और ये मेरे जीजा हैं, ये मेरी बहन है। और बहुत ही उम्दा तरीके की कॉमेडी निकल के आई है और मुझे उम्मीद है कि दर्शकों को बहुत अच्छी लगेगी। मेरा नाम राहुल मिश्रा है और मैंने इस फिल्म में BHK में म्यूज़िक किया है और गाने लिखे भी हैं और एक गाना गाया भी है मैंने। मैं बेसिकली इलाहाबाद से हूँ और संगीत का, म्यूज़िक का शौक बचपन से रहा है और पढ़ाई के साथ साथ म्यूज़िक भी करता आ रहा था मैं और गाने वगैरह बनाता जा रहा था और जो शौक था वो खींच के मुंबई लेके आया मुझे। तो बस अभी कोशिश जारी है कुछ अच्छा काम करने की। और राकेश जी से मैं शुरुआत के दिनों में जब मैं आया था तो मिला था उनसे, तो उन्होंने बोला था कुछ अच्छा काम। तू बन के वीर जांबाज बड़ा मैदान जंग में आया, ले हाथ हाथ तलवार बावरे करतब सौ दिखलाया, काहे फटके भाई फालूदा, काहे फटके भाई फालूदा, जब बैक में ना था गुदा तो क्यों लंका में कूदा, जब बैक में ना था गुदा तो क्यों लंका में कूदा। और एक गाना जो रोमांटिक गाना है वो आपको मैं एक लाइन सुनाता हूँ। आरजू है कि तू इश्क पहचान ले, तुम पे मरते हैं हम इतना तो जान ले, तेरी नजरों से छुपा के नाम तेरा ले रहे, तेरी ही तस्वीर से हम हाल अपना कह रहे, ये सच है बात यही तो है, हम तो दिल से हैं बस तेरे, मैं तुझ पे जान लुटा जाऊं, एक नजर प्यार की तू दे दे सुनिए। हाय मेरा एक लॉटरी बेचने वाले का किरदार है, बब्बू खान करके एक करेक्टर है जो लोगों को उकसाता रहता है कि भाई लॉटरी खरीदो और उधार भी देता है। तो उसी चक्कर में एक करेक्टर को उधार दे करके कुछ 2.5-3 लाख का उधार है, 2,80,000 का उधार है, वो उससे लेने जाता है तो उसी घर में पहुंच जाता है जहां पर ये सारी फिल्म की जो कन्फ्यूज़न है जिस घर को लेकर के हैं, तो वहीं घर में पहुँच जाता है। तो अल्टीमेटली मेरा भी जाना वहीं कुदरती हो जाता सिचुएशनली। नेगेटिव पॉजिटिव इस फिल्म में ऐसा कुछ मुझे लगता है कि है नहीं, कि नेगेटिव कुछ ऐसा विलेन टाइप कुछ ऐसा नहीं है। हाँ लेकिन इतना ज़रूर है कि बहुत क्यूट सा करेक्टर है, मैं नेगेटिव नहीं बोलूँगा। छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स होती हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, आम लाइफ में हमारी, वैसा ही करेक्टर है एक, ना कोई ऐसा कत्ल करने वाला या खून करने वाला या रेप करने वाला या कोई उठा के ले जाने किडनैप वाला गंगाजल टाइप ऐसा कुछ नहीं। गंगाजल ने आपको एक नई पहचान दी, एक अलग मुकाम दिया। अभी जय गंगाजल का ट्रेलर रिसेंटली लॉन्च हुआ है, तो क्या कहना चाहेंगे? शायद आपने ट्रेलर देखी होगी। ट्रेलर देखा मैंने, बहुत कमाल का है, बहुत ही बढ़िया है, इंटेंस है एंड बहुत ही अच्छे एक्टर हैं मानव कौल, प्रकाश झा खुद भी एक्ट कर रहे हैं जो कि कमाल के एक्टर हैं वो अभी पता चल रहा है। और काश मैं भी होता इस फिल्म में, लेकिन मार दिया मुझे पहली फिल्म पहले
गंगाजल पार्ट वन में ही, पर आई होप कि ये अच्छी ही होगी, अच्छी ही बनी होगी, क्योंकि उनके ऊपर जिम्मेवारी ज़्यादा डबल हो गई थी कि गंगाजल क्योंकि इतनी अच्छी बन चुकी थी कि पार्ट टू बनाने के लिए उनको चैलेंज था कि उससे अच्छी होनी चाहिए। तो एक मुझे पूरी उम्मीद है कि अच्छी जाएगी। क्या मैं नमस्कार, यशपाल शर्मा बोल रहा हूँ, आप सबको मेरी तरफ से नए साल की शुभकामनाएं। नया साल 2016 आप सबके लिए बहुत 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 बहुत, बहुत